नमस्कार। योग अभ्यास में सबसे पहले हम जो अभ्यास करेंगे वो है ओमकार का उच्चारण। ओमकार का उच्चारण हमेशा ही 5 बार किया जाएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूं, आप उसको 3 बार 5 बार दोहराएंगे। बार दोहरा लेने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में रहेगा अर हम का उच्चारण। मैं करता हूं, इसका अभ्यास मेरे साथ करेंगे। अर हम पांच बार। इसके बाद लूजनिंग एक्सरसाइज, सबसे पहला गर्दन पीछे और आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, 3 बार दोहराया। फिर गर्दन बाईं तरफ और दाहिने, ये भी 3 बार दोहराना। फिर गर्दन बाईं तरफ घुमाना और दाहिनी तरफ घुमाना, ऐसा 3 से 4 बार करना है। फिर गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, ये 3 बार, और फिर उल्टा घड़ी की सुई की दिशा में 3 से 4 बार। इसके बाद हाथ सामने, मुट्ठी बांधना और सीधा करना, 4 बार मुट्ठी बांधना और सीधा करना। फिर हाथ को की उंगलियों को मिलाइए, हथेली ऊपर और नीचे, 4 से 5 बार। फिर मुट्ठी बांधिए, गोल घुमाइए, 4 से 5 बार, और फिर दूसरी दिशा में गोल घुमाइए, 4 से 5 बार। हथेली छत की तरफ, मोड़िए एल्बोस से और सीधा करिए, 4 से 5 बार। हाथों को फैलाया, मोड़ा और सीधा किया, जब सीधा किया तो हथेली नीचे दबाया, और फिर मोड़ा और सीधा किया, 4 से 5 बार, हाथ नीचे, उंगलियां कंधों पर लगाया और एल्बोज को गोल सर्कल बनाया बड़ा सा, 4 से 5 बार, और फिर उल्टा घुमाया, 4 से 5 बार, फिर नीचे। अगला अभ्यास, राइट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ्ट साइड में झुकिए, स्ट्रेच होने दीजिए शरीर के इस भाग पर, सांस छोड़ते हुए ऊपर और नीचे, दूसरा हाथ ऊपर और दूसरी साइड में झुकिए, फिर ऊपर और नीचे, 4 से 5 बार। दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए और एल्बोज को एक दूसरे से, दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ से बाएं एल्बो को पकड़िए और खींचिए और झुकिए दूसरी तरफ, ऊपर फिर नीचे, दूसरी तरफ ऊपर, रिलीज, 4 से 5 बार एक एक दिशा में करना। इसके बाद पैरों को सीधा करिए, पैरों की उंगलियां और अंगूठा मोड़िए और सीधा करिए, मोड़िए और सीधा करिए,
चार से पांच बार, फिर पूरा पंजा आगे और पीछे, फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स चार से पांच बार, फिर गोल घुमाइए पूरे के पूरे अपने पैर को चार से पांच बार एक दिशा में और चार से पांच बार दूसरी दिशा में, फिर नीचे रख दीजिए। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर दीजिए, हाथ आगे और चक्की संचालन करेंगे, गोल चक्की चलानी है बढ़िया से चार से पांच बार एक दिशा में, फिर चार से पांच बार दूसरी दिशा में। ये हो जाए जब तो रोक दीजिए, पैर मिलाइए, हाथ आगे, नौका संचालन फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, खूब बढ़िया से आगे तक झुकते हुए इसको करिए चार से पांच बार आगे और चार से पांच बार उल्टा जाते हुए बैकवर्ड्स किया हमने, और यहां पर हमारा लूजनिंग एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी श्वास की क्रिया की एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास क्रिया की प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस, सबसे पहले अपनी गर्दन का प्रैक्टिस देंगे। गर्दन झुकाइए, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। और इस प्रैक्टिस को जो मैंने 10 बार किया, इसको 30 से 35 बार करना है। फिर थोड़ी देर रुक करके शांत बैठना है, जब शरीर रिलैक्स हो जाए तो अगला प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नंबर 2। थोड़ा सा झुकिए, अपने पीठ को थोड़ा सा झुकाइए, यहां से श्वास अंदर और झुकते हुए श्वास बाहर। ये प्रैक्टिस जो मैंने 10 बार किया, इसको करते हुए शरीर में झनझनाहट आ जाएगा, लेकिन इसको भी 30 से 35 बार करना है। जब 35 बार कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए, कुछ देर शरीर के अंदर की शांति को महसूस करिए। इसके बाद अगला अभ्यास, अगला अभ्यास में हाथों का प्रयोग शुरू होगा। पहले प्रयोग में हाथ थोड़ा आगे, मुट्ठी बांध करके रिलैक्स करके आगे करेंगे, श्वास अंदर तो हाथ पीछे, श्वास बाहर तो हाथ आगे। इस अभ्यास को पूरा मन लगा करके 35 से 36 बार करेंगे।
हाथ में दर्द होने लगे तो उस हाथ के दर्द पर ध्यान नहीं देना है, खूब गहरा सांस भरना है और खूब गहरा सांस निकालना है। 35 बार हो जाए तो शांत बैठना है। अगला अभ्यास, हाथ सामने उठाना है, श्वास पहले छोड़ दीजिए, श्वास पूरा, इनहेल सांस अंदर, एक्सहेल श्वास बाहर, नीचे। अभ्यास में रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। 30 से 35 बार करने के बाद शरीर एकदम झनझना रहा होगा, शांत होकर के इस शांति और झनझनाहट को महसूस करिए। जब आधा मिनट शांत रह चुके हो, रिलैक्स हो चुके हो, तो उसके बाद अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में छाती को और फुलाएंगे, हाथ सामने, इनहेल एक्सहेल, से 35 बार इसका अभ्यास किया जाएगा और उसके बाद फिर से शांत बैठेंगे, शरीर के अंदर के आनंद को महसूस करेंगे। आधा मिनट शांत बैठेंगे, शरीर की श्वास एकदम जब सामान्य हो जाए तो फिर अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में हाथ को ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी सामने, श्वास अंदर, श्वास बाहर, नीचे। इस अभ्यास को भी 35 से 36 बार करेंगे, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसको 36 बार भी कर सकते हैं, नहीं हो पाए तो 25 बार भी करके रुका जा सकता है। शांत होकर के बैठें, अंदरूनी शांति को महसूस करें। अगला अभ्यास, हाथों को मुट्ठी बांध करके अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, जैसे भगवान महावीर ने किया वैसे हाथ इसी मुद्रा में रखते हुए, श्वास अंदर, श्वास बाहर, से 35 बार अभ्यास करने के बाद आपका शरीर एकदम आनंद की अनुभूति में होगा। ज्ञान मुद्रा में हाथ को रखते हुए आधा मिनट रिलैक्स करिए, अपने मन में नमोकार मंत्र का उच्चारण करिए और आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। अगला अभ्यास, अगले अभ्यास में हाथों को थोड़ा आगे की तरफ क्रॉस करिए, ऐसे, श्वास अंदर, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथ नीचे,
30 से 35 बार हो जाए तो रिलैक्स, शांत होकर के शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। इसके बाद अगला अभ्यास, अगले अभ्यास में हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर निकालेंगे तो हाथ नीचे, श्वास अंदर तो हाथ ऊपर। तीस से पैंतीस बार हो जाए तो फिर से रिलैक्स और शांत बैठे रहिए आधे मिनट से के लिए। आधे मिनट रिलैक्स हो जाने के बाद मन में नमोकार मंत्र का उच्चारण हो जाने के बाद हाथ को ऊपर उठाएंगे ऐसे, इनहेल श्वास अंदर तो हाथ फैलाएंगे, श्वास बाहर। तीस से पैंतीस बार अभ्यास कर लेने के बाद आधा मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। अगला अभ्यास, सीधा थोड़ा झुकिए, गर्दन ऊपर, बीस पच्चीस से तीस बार इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद आधा मिनट का रिलैक्सेशन, फिर अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में श्वास लेना है नाक से और मुंह से फूंकना है। पंद्रह से बीस बार इसका अभ्यास करेंगे। इसको करने के बाद शरीर रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला अभ्यास, अगला अभ्यास शरीर के पित्त विकार का शमन करने के लिए, शरीर के अंदर ठंडक लेके आने के लिए। अपनी जीभ को गोल बनाइए, थोड़ा झुकिए और श्वास अंदर इस ट्यूब से लेंगे। और नाक से बाहर ये अभ्यास 15 से 20 बार करेंगे, फिर कुछ देर रिलैक्स करेंगे, गले में आई हुई ठंडक को महसूस करेंगे। फिर उसके बाद का अभ्यास, दूसरे अभ्यास में श्वास अंदर रोकने का हमें क्षमता को बढ़ाना है। थोड़ा झुकिए, श्वास अंदर भर लिया, हाथ ऊपर उठाया और ऊपर, ऐसा 10 बार दोहराया, श्वास रोक करके रखने की कोशिश किया। अपनी क्षमता अनुसार इसको 20-25 बार भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद
एक और अभ्यास करना है, श्वास अंदर भर के रोकना है और मन में 10 तक काउंट करना है। आप चाहें तो नौकार मंत्र भी गिन सकते हैं इसमें, और ऐसा 4 बार करना है। फिर उसके बाद अगला अभ्यास, श्वास अंदर लेना है, शीतकारी प्राणायाम इसका नाम है। आपको मुंह से आवाज करते हुए, श की आवाज करते हुए श्वास अंदर लेना है, ऐसे। पंद्रह से 20 बार ये अभ्यास करते हुए अंदर तक तरावट और ठंडक आपको महसूस होने लगेगा। फिर आधा मिनट रिलैक्स करना है। इसके बाद का अभ्यास है, उसमें जैसे नारियल पानी पिया जाता है वैसे श्वास अंदर लेनी है। थोड़ा झुकिए, इस अभ्यास को भी 15 से 20 बार अपनी क्षमता अनुसार दोहराना है। ये हो जाने के बाद फिर एक अभ्यास है अपने थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए। गर्दन ऊपर, श्वास लेना है और निकालना है। पंद्रह से 20 बार फिर रिलैक्स करेंगे। जैसे ही शरीर सामान्य हो जाएगा गर्दन को आगे झुकाएंगे और यही अभ्यास दोहराएंगे। पंद्रह से 20 बार दोहराएंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। शरीर को शांत होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया और श्वास को, गहरा श्वास बाहर निकालेंगे पेट को पिचकाते हुए। बीस से 25 बार इसको करेंगे और फिर शांत बैठ जाएं। इसको करने से छाती के अंदर का सारा कफ बाहर आ जाएगा। ध्यान रखें हर अभ्यास के समय साथ में एक तौलिया रखें, क्योंकि नाक से हो सकता है गंदगी बाहर आए तो पोंछने में काम आता रहे। और इस अभ्यास के बाद बिल्कुल शांत बैठेंगे। शांत एक मिनट बैठ करके नौकार मंत्र का आराधना करेंगे, नौकार मंत्र गिनेंगे। फिर उसके बाद नंबर आएगा भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम, अपने कान को उंगलियों से बंद किया जाएगा और भ्रामरी अरहम की ध्वनि के साथ हम 5 बार करेंगे। मैं एक बार करूंगा, आप इसको 5 बार दोहराएंगे। अरहम
ऐसा 5 बार दोहरा लेने के बाद हाथ ज्ञान मुद्रा में और 5 बार ओमकार का उच्चारण। पांच बार ओमकार का उच्चारण हो जाने के बाद फिर हाथों को मिला करके 25 बार ताली बजाएंगे। ऐसे 25 बार हो जाए फिर हथेली रगड़ लेंगे, हथेली गर्म हो जाए तो आंख पर लगाइए, चेहरे पर हल्की मालिश, हाथ नीचे और अभ्यास को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। Thank you.